हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गॉड ऑफ वॉर 2 को ट्राई करेंगे रेडमी K50i के साथ। फिलहाल OpenGL API पर है, OpenGL API पर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। जो भी इसका परफॉर्मेंस मोड है वो मैंने ऑन कर रखा है, जो भी सारी सेटिंग्स मैंने ऑन कर रखी है जिनसे परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, वॉइस ओवर इसी डिवाइस से हो रहा है। बिना माइक के कर रहा हूँ क्योंकि माइक इसमें ठीक से काम नहीं कर रहा है। बैकग्राउंड में अजीब सी नॉइस आती है, मैं एक बार सुना देता हूँ किस तरह की आवाज़ आती है। मैं अभी माइक प्लग इन कर रहा हूँ तो इस तरह की आवाज़ आती है, बैकग्राउंड में अजीब सी नॉइस आती है। ये तो मेरे को विदाउट माइक के जो है रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, एंड बैकग्राउंड की काफ़ी ज़्यादा नॉइस आएंगी वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी वुल्कन पर है, FPS 50 के नीचे है, 40 से 50 के बीच में है। एंड हैवी ब्लास्ट में यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा, सीरियस फ्रेम ड्रॉप, क्योंकि शेडिंग यूनिट इस GPU में कम है। डायमेंसिटी 8100 पावरफुल CPU है, पर इसका GPU थोड़ा सा वीक है। डायमेंसिटी 1200 के बराबर की परफॉर्मेंस ये निकाल कर देगा इस गेम में। बहुत सारी गेम्स आपकी 4x, 5x एंड 6x पर चल जाएंगी, कुछ गेम्स 8x पर भी चल जाएंगी, पर वो अधिकतर बजट चिपसेट के साथ भी चल जाती हैं। इवन 4Gen 1 भी उन गेम्स को 4 या 5x पर हैंडल कर सकता है। सो छोटी मोटी गेम्स तो हाई रिजोल्यूशन पर चल जाएंगी, पर इस तरह की गॉड ऑफ वॉर जैसी गेम आपकी 3x पर नहीं चलने वाली ठीक से। बाकी हम थोड़ी देर 3x पर ट्राई करेंगे, उसके बाद हम 2x पर कर लेंगे इसको। एंड 2x पर आप परफॉर्मेंस देखना 2x पर कैसी रहेगी। वैसे 2x पर इसका जो GPU है वो मैक्स आउट हो जाता है, पूरा यूज हो जाता है 2x पर। इसका मतलब इसके पास और पावर नहीं बचती है 3x पर हैंडल करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर लैग करता है। वैसे जहाँ तक 2.5 पर फुल यूज होता है, पर इसमें थ्रोटल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, जिसकी वजह से 2x ही काफ़ी रहेगा, 2.5 पर लैग करेगा। एंड इस डिवाइस से मेरे को वॉइस ओवर करने में, या फिर ये कह लो कि वीडियो एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, कई घंटे लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि इसमें माइक जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंड मेरे को बार बार ईयरफोन लगाने निकालने पड़ रहे हैं। अभी तक मैं तकरीबन 5 से 10 बार ईयरफोन लगा कर देख चुका हूँ, ताकि साउंड कैसा आ रहा है वो देखना पड़ेगा बार बार। बैकग्राउंड में कितनी नॉइस आ रही है वो भी मेरे को नहीं पता है, बार बार मेरे को चेक करना पड़ता है। ईयरफोन बार बार ऐसे यूज़ करूँगा तो एक साल के अंदर इसका जैक जो है वो ख़राब हो जाएगा। मेरे पास JBL क्वांटम 50 ईयरफोन है एंड सोनी के 255 AP है। इन दोनों ही ईयरफोन के माइक इसमें ठीक से काम नहीं करते, बैकग्राउंड की नॉइस आती है अजीब सी, जैसे हवा चल रही है, कुछ ऐसी सी आवाज़ आती है, जिसकी वजह से माइक प्रॉब्लम करता है एंड मेरे को वीडियो एडिट करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगर आप ये डिवाइस वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो ये आपके लिए हेडेक कर देगा। मे बी कोई ऐसा माइक हो जो इसके साथ ठीक से काम करे तो मे बी बात बन जाए। मैंने इसमें साउंड जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर होता है स्मार्टफोन में, उसमें भी माइक यूज करके देखे हैं तो उसमें भी सेम दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जो हैवी टेक्सचर हैं उनमें फ्रेम रेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस GPU में शेडिंग यूनिट्स अराउंड 300 है। इस GPU की जो है परफॉर्मेंस को हाइड रखा गया है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये डिवाइस लेने से पहले इसकी जो परफॉर्मेंस है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग है। इवन ये चिपसेट मेरे हाथ में है, मेरे पास ये डिवाइस है, मेरे पास सॉफ्टवेयर है चेक करने के लिए, पर मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। ये कह लो कि इन ये चाहते ही नहीं है कि आपको पता चलेगा कितना क्या है इस GPU में। जहाँ तक ये GPU है डायमेंसिटी 1200 के GPU के बराबर है या फिर उससे भी वीक है, सिर्फ इसकी CPU परफॉर्मेंस बेटर है, जिसका बेनिफिट आपको पबजी जैसी गेम में मिलेगा। एंड पबजी में आपको स्मूथ 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, पर हाई जो ग्राफिक सेटिंग है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि GPU थोड़ा सा वीक है। बाकी परफॉर्मेंस देखो आप, 3x पर यह प्लेबल नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडर होते हैं फ्रेम ड्रॉप करता है। मीडियाटेक के जो चिपसेट हैं इनके GPU में शेडिंग यूनिट बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से हैवी ब्लास्ट टेक्सचर में फ्रेम ड्रॉप होता है। GPU के पास जितनी ज़्यादा शेडिंग यूनिट्स होती हैं उसका मतलब वो उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन एंड उतने ज़्यादा टेक्सचर एक साथ रेंडर कर सकता है। वहीं माली GPU में बहुत कम होती है एंड एड्रीनो में काफ़ी ज़्यादा होती है एंड एप्पल में बहुत ज़्यादा होती है। स्नैपड्रैगन के जो GPU हैं, एड्रीनो GPU, इनमें माली से दोगुनी होती है। एंड आईफोन के जो GPU हैं उनमें स्नैपड्रैगन से 1.5 गुना ज़्यादा होती है, कुछ केसेस में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कुछ केस में बहुत ज़्यादा होती है। बाकी स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट चिपसेट जो अभी आए हैं 8 Gen 2, उनमें काफ़ी ज़्यादा है एंड उनमें एप्पल GPU से भी ज़्यादा है। सो उनकी रेंडर पावर एप्पल GPU से भी ज़्यादा है। बाकी जो भी गेमिंग में लैग होती है वो ऑप्टिमाइजेशन का भी कहीं ना कहीं हिस्सा है,
पर मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल रेंडर एक साथ करने पर, जहाँ पर बहुत सारे शेडर्स एक बार में लोड करने पड़ते हैं जीपीयू को। अगर आप पबजी खेलोगे एनिमी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, जहाँ पर इसके 300 शेडिंग यूज हो जाएंगी, तो इस केस में K50i बहुत ज़्यादा लैग करेगा, यानी डायमेंसिटी 8100 वाले चिपसेट जो हैं वो लैग करेंगे। बहुत सारी स्क्वाड्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडिंग यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं, यानी उनके सभी की डिटेल्स लोड करनी पड़ती हैं जीपीयू को। यानी ये काम जीपीयू ही करेगा, सीपीयू नहीं कर सकता है। सीपीयू इसका पावरफुल है, पर जीपीयू वहीं उतना ही वीक है जितना पावरफुल सीपीयू है। एंड इसका नुकसान आपको देखने को मिलता है एमुलेशन में, क्योंकि एमुलेशन में आपको ज़्यादा पावरफुल जीपीयू की नीड है, यानी यहाँ पर जीपीयू इतना ज़्यादा पावरफुल इसका नहीं है। सीपीयू की बात करें तो ये लगातार बॉटल नेक कर रहा है, क्योंकि ये चिपसेट जो है ओवर हीटिंग नहीं करता है। यानी यही जो डायमेंसिटी की लेटेस्ट स्ट्रेटजी है वो यही है कि ये चाहते हैं कि इनके चिपसेट ज़्यादा ओवर हीटिंग ना करें, एंड अधिकतर यूज़र इसीलिए इस चिपसेट को बाय करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं करेगा। पर इसका परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आप देख सकते हो। ये जो सीपीयू है 2.8 GHz का है, पर ये बार बार अपने आप को 2 GHz के नीचे कैद कर रहा है, एंड इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है एंड स्टेबल नहीं है। पबजी में आपको थोड़ी देर तक स्टेबिलिटी मिलेगी, अगर आप ऐसे रूम टेम्परेचर में बैठकर खेलोगे जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप करेगा। मैंने एक हैवी टेस्ट किया था पबजी गेम में, तो इसका FPS ड्रॉप 35 FPS तक गया था, तो कारगर मेरे को नहीं लगा। वैसे काफ़ी लोग खुश हैं इसको लेकर पबजी खेलने के लिए, क्योंकि 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, एंड आजकल ठंड है तो डिवाइस ओवर हीटिंग नहीं करेगा। वैसे भी ये चिपसेट ओवर हीटिंग नहीं करता, ये ओवर हीटिंग की बजाय परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर लेता है। एंड ये 2.8 GHz का प्रोसेसर जो है वो 2 GHz का हो जाता है जब ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर CPU ओवर हीट कर सकता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है गेमिंग के लिए। गेमिंग में आपको ओवर हीटिंग पर फोकस नहीं करना है, आपको परफॉर्मेंस पर फोकस करना है। अगर परफॉर्मेंस इतनी ड्रॉप कर रहा है तो फिर ये कामयाब नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे भी मीडिया टेक में आपको ड्राइवर सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी फ्यूचर में कोई भी ड्राइवर अपग्रेड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में जो भी गेम्स में अपडेट आते हैं तो गेम और भी ज़्यादा लैग करना स्टार्ट कर देती हैं। आज इसमें पबजी स्मूथ चल रहा है, तो 1-2 साल के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा लैग करेगा, क्योंकि न्यू अपडेट्स आएंगे गेम में एंड नए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। माली की तरफ से कोई ड्राइवर अपडेट नहीं आता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाई सेटिंग्स एड्रीनो जीपीयू के साथ मिलती है, उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप पबजी जैसी गेम खेल रहे हो एंड बहुत सारी एक साथ स्क्वाड आ जाती है, तो लैग कम करेगा, 500 शेडर्स तक लैग नहीं करेगा। जब तक 500 शेडर से ज़्यादा लोड नहीं होगा तब तक लैग नहीं करेगा 870। एंड वहीं आईफोन की बात करें तो आईफोन में 650 होती हैं, जब तक 650 रीच नहीं हो जाएंगी तब तक वो भी लैग नहीं करेगा। इसलिए आईफोन में ज़्यादा स्मूथ चलती हैं गेम्स बजाय स्नैपड्रैगन के, और स्नैपड्रैगन में ज़्यादा स्मूथ चलती हैं बजाय मीडियाटेक चिपसेट के साथ। वैसे आप एक या दो स्क्वाड के अगेंस्ट में खेलोगे तो हो सकता है ये डिवाइस ज़्यादा स्टेबल FPS दे स्नैपड्रैगन 870 से। जहाँ पर बहुत सारे एनिमीज होंगे वहाँ पर ये GPU स्ट्रगल करेगा, क्योंकि इसकी सेडिंग यूनिट्स काफ़ी कम है। कितनी है वो मेरे को नहीं पता, अंदाजन बता रहा हूँ, हो सकता है 300 है, हो सकता है 250 है। वहीं मैं अदर चिपसेट की बात करूँ मीडियाटेक के, तो डायमेंसिटी 9000 की 512 है, वहीं स्नैपड्रैगन 870 वाले GPU की भी 512 है। डायमेंसिटी 1300 की मेरे ख्याल से 200 के आसपास है या फिर उसके भी नीचे है। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसमें हो सकता है 300 हो या फिर हो सकता है 144 हो, ये डिटेल हाइड रखी है मीडिया टैग ने, तो इसके बारे में कोई पता नहीं सकता है। एंड वैसे भी पबजी जो टेस्टिंग करते हैं उनको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो बताते भी नहीं है, वो सिर्फ आपको FPS ऑप्शन के आधार पर परफॉर्मेंस बताते हैं कि इस डिवाइस की बेटर परफॉर्मेंस है। हाई रिजोल्यूशन ऑप्शन फ्यूचर में भी आपको पबजी में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको स्मूथ के साथ 90 का मिलेगा, बाकी अदर जो ऑप्शन है उनके साथ आप 40 FPS पर ही खेल सकते हो। हाई रिजोल्यूशन पर इसमें पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सेडिंग यूनिट कम है, तो उतना लोड GPU हैंडल नहीं कर पाता है। एंड ये फ्यूचर में भी नहीं आएगा, बहुत सारे पबजी यूट्यूबर बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो पबजी टेस्टिंग करते हैं वो बोल रहे हैं कि फ्यूचर में इसमें जो अदर सेटिंग्स हैं बैलेंस है HD है HDR है तो उनके साथ भी आपको 60 मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। हाई सेटिंग्स हाई रिजोल्यूशन एंड मल्टीपल टेक्सचर रेंडर करने के लिए यूज होती है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेरे हिसाब से 300 के आसपास ही होगा,
उससे ज़्यादा नहीं होने वाला इसमें, 300 से कम हो सकता है, 300 से ज़्यादा नहीं होगा, एंड इतने से बात नहीं बनेगी। 60 FPS ऑप्शन HDR के साथ नहीं मिलेगा। इन केस पबजी डेवलपर दे देते हैं तो वो इसमें कामयाब नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप होगा क्योंकि GPU इतना कैपेबल नहीं है। दूसरा ये कि पबजी डेवलपर को अगर इसमें HDR के साथ 60 FPS देना पड़ेगा तो उसके लिए ग्राफिक क्वालिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, रिजोल्यूशन घटाना पड़ेगा या फिर टेक्सचर लोड कम करना पड़ेगा, जिससे ये पॉसिबल है। एंड मेरे ख्याल से कोई भी डेवलपर, गेम का डेवलपर सिर्फ ग्राफिक को इम्प्रूव करता है, डिग्रेड कोई भी करना पसंद नहीं करता है। उसी के लिए आप अपडेट का वेट करते हो कि क्वालिटी इम्प्रूव होगी। कई लोग परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का वेट करते हैं कि अपडेट के बाद परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, एंड कुछ केस में डेवलपर सुनते भी हैं। अगर बहुत सारे यूज़र ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जिनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप मार रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि गेम के ग्राफिक्स को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया जाता है जिससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है या फिर हाई सेटिंग्स मिल जाती हैं, पर वो एक आप कह सकते हो कि वहीं रिजोल्यूशन घट जाएगा या फिर क्वालिटी घट जाएगी, तो फिर हाई सेटिंग्स का इतना बेनिफिट नहीं है। वहीं मैं इस GPU की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करूँ तो 6 कोर का ये GPU है। वैसे ज़्यादा कोर होने से कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि यूनिट एक ही होती है, उसी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है मल्टीपल पर्पज़ के लिए, मल्टीपल टास्क को एक साथ करने के लिए। वैसे यूनिट एक ही होती है। अगर आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगाओगे तो बहुत सारे ऐसे GPU मालिक है बहुत पुराने जिनमें 12 या फिर 20 कोर हुआ करते थे, पर परफॉर्मेंस इससे कम मिलेगी। वहीं मैं बात करूँ क्या कहते हैं डायमेंसिटी 1300 की, तो उसमें 9 कोर हैं। कोर के हिसाब से आप परफॉर्मेंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। वहीं GPU की क्लॉक स्पीड जो लीक के हिसाब से है वो 900 MHz के आसपास है इसकी, वो मैं मान सकता हूँ कि GPU की जो इसकी क्लॉक स्पीड है वो 900 MHz के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर मीडिया टेक के चिपसेट में 900 MHz ही होती है, इवन बजट जो चिपसेट है उनमें भी होती है। पर इसका बेनिफिट क्विक लोड में ही आपको मिलेगा, यानी आप गेम स्टार्ट करते हो तो एकदम से फटाक से लोड हो जाएगा, पर बाकी गेम टाइम पर, फ्रेम रेट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका असर पड़ेगा सेडिंग से, जो कि हिडन है, पता नहीं है कितनी है, अंदाजन 300 है मेरे हिसाब से, बाकी अदर कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। डायमेंसिटी 1300 की 144 है, डायमेंसिटी 1200 की भी 144 है, सो उन दोनों GPU का जो GPU लोड है वो सेम रहता है, मतलब सेम कैपेसिटी के साथ गेम को रेंडर करते हैं। बाकी जो भी परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो उनके CPU की वजह से आता है। यहाँ पर इसका CPU पावरफुल है पर GPU वीक है। यहाँ पर हम गॉड ऑफ वॉर 2 की बात करें तो यहाँ पर इसका GPU लोड जो है 99% है, जो कि 870 स्नैपड्रैगन 870 के साथ भी सेम रहता है 3X पर, क्योंकि 99 का मतलब है वो पूरा हो गया है यूज, उसके ऊपर और मतलब कैपेसिटी नहीं बची है। इसका 2.5X पर होता है, एंड वहीं जो स्नैपड्रैगन 870 का GPU है उसका 3X पर होता है। 2.5 एंड 3X में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है रिजोल्यूशन एंड जो लोड है उसमें। स्नैपड्रैगन 870 में 2.5X पर तकरीबन 60% ही लोड रहता है, वहीं इसके साथ 100% लोड रहता है। यहाँ पर मेरे से बोलने में एक गलती हो गई है, 2X पर लोड रहता है 60% एंड इसका रहता है 99%। बाकी कोई भी सिस्टम ऐप ऐसी नहीं है जिससे मैं पता लगा सकूं कि एग्जैक्ट कितना हो रहा है, ये अंदाज़ा है तकरीबन इतना हो रहा है। इसका GPU पूरा यूज हो चुका है यहाँ पर, एंड 2X पर फिलहाल हम ट्राई कर रहे हैं। 2X पर काफ़ी बढ़िया चल रही है गेम, 2X पर बढ़िया चल जाएगी। एंड यहाँ पर 2X में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि GPU लोड काफ़ी ज़्यादा है, एंड उसकी वजह से जहाँ पर शेडर्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। ये इसकी तलवार है, इसको निकालने में फ्रेम ड्रॉप होगा, जो कि अभी आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमेशन है इसमें शेडिंग लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है संभव। इसको ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, एमुलेटर ऑप्टिमाइज नहीं है यहाँ इस लोकेशन के लिए। जितनी बार आप इस शॉट को निकालने की कोशिश करोगे उतनी बार फ्रेम ड्रॉप होगा। एंड ये दिक्कत स्नैपड्रैगन के साथ भी होती है, उसके साथ थोड़ी कम होती है, सो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, पर दिक्कत आपको दोनों तरफ से देखने को मिलेगी। दोनों की ही शेडिंग यहाँ पर कम रह जाती है इस एनिमेशन को लोड करने में। देख लो ये एनिमेशन कुछ खास नहीं है पर शेडिंग लोड काफ़ी ज़्यादा डाल रहा है ये, इसकी वजह से फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। और बात करूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तो एमुलेटर गेम्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि CPU लोड 50% के नीचे है जैसा स्नैपड्रैगन 870 में रहता है। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कोई एक्स्ट्रा फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर नहीं हो रहा है, जैसा नॉर्मल कंडीशन में रहेगा फ्रेम ड्रॉप वैसा ही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी। पर पबजी गेम में CPU लोड ज़्यादा होता है, सो उस गेम में अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो
तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल सकता है, चाहे वो स्नैपड्रैगन 870 हो या फिर डायमेंसिटी 8100 हो या फिर आप 8 Gen 1 क्यों ना यूज़ कर लो। पबजी गेम में जीपीयू लोड कम रहता है, सीपीयू लोड ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का लोड आपके सीपीयू पर पड़ता है ना कि जीपीयू पर, इसकी वजह से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है एमुलेटर गेम्स में इतना प्रॉब्लम खड़ी नहीं करती है, अगर आपके पास हाई एंड चिपसेट है। अगर बजट चिपसेट है उसका, अगर पूरा सीपीयू पहले ही यूज़ हो चुका है एमुलेटर में, तो उसके साथ भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ लैग होगी। पर इसमें पूरा यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ आधा ही सीपीयू यूज़ हो रहा है, जीपीयू पूरा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जीपीयू परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से, क्योंकि सारा लोड सीपीयू पर है। यही दिक्कत है पबजी गेम में, पबजी डेवलपर पता नहीं क्यों सारा लोड सीपीयू पर रखते हैं, जिसकी वजह से जितने भी डिवाइस हैं पबजी खेलने वाले यूज़र्स इसी वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका डिवाइस बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग करता है, क्योंकि सारा लोड सीपीयू पर है, जीपीयू पर माइनर लोड रहता है। स्नैपड्रैगन 870 की बात करूँ तो जीपीयू लोड तकरीबन 30% रहता है उस गेम में, एंड सीपीयू लोड मैक्स तकरीबन 70-80% चला जाता है, जो कि तब जाएगा जब बहुत सारी स्क्वाड आपके आसपास होंगी। सेम डायमेंसिटी के साथ होता है, डायमेंसिटी का जीपीयू थोड़ा सा ज़्यादा यूज होता है, ये तो मतलब इनकी पावर का डिफरेंस है। 870 का जहाँ पर 30% जीपीयू यूज होता है, वहीं डायमेंसिटी 8100 का 50% क्रॉस करता है, 50% के ऊपर जीपीयू लोड रहता है। सीपीयू इसका 5-6% कम यूज होता है स्नैपड्रैगन 870 से, सो सीपीयू परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिलेगी इसमें, पर जीपीयू परफॉर्मेंस काफ़ी कम देखने को मिलेगी। यही इनमें डिफरेंस है 870 एंड डायमेंसिटी 8100 में, जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। बाकी आज इस वीडियो में मैं वॉइस ओवर इतना ही करूँगा, बाकी एंड और आप परफॉर्मेंस देखो 2x पर कैसा चल रहा है। 2x पर काफ़ी बढ़िया चलने वाली है गेम, कहीं कहीं पर ही आपको फ्रेम रोक देखने को मिलेगा। बाकी जो ये टेस्टिंग है ये बिना फ्रेम स्किप के है, कोई भी मैंने साइकिल स्किप इस्तेमाल नहीं किया है, जो नेचुरल परफॉर्मेंस आपको मिल रही है वही मैं दिखा रहा हूँ। सेम 870 के साथ भी टेस्टेड है, तो आप उसको भी चेकआउट कर ले, बहुत पुरानी वीडियो मत देखना। स्नैपड्रैगन 870 के साथ कई टेस्टिंग हुई है इस गेम की, जो कि एमुलेटर के पुराने वर्जन के साथ भी हुई है और थोड़ा सा न्यू वर्जन के साथ भी हुई है, एंड कुछ ऐसी लोकेशन बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, जैसे मैंने स्नो वाली लोकेशन ट्राई करी थी 870 के साथ, मेरे को लगता है वो लोकेशन इसमें भी एक दिन ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि उस लोकेशन पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप होता है। एंड 3x पर 870 भी उसमें स्ट्रगल कर रहा था, एंड जहाँ तक ये 2x पर भी कर जाएगा उस लोकेशन पर। बाकी परफॉर्मेंस गैप आपको दिख रहा होगा 870 के साथ, आपने ऑलरेडी देख रखी है टेस्टिंग, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। रियलमी जी टी नियो 3T के साथ मैंने सुनो वाली लोकेशन ट्राई करी थी, एंड वहीं रियलमी जी टी नियो 2 के साथ स्टार्टिंग की टेस्टिंग करी थी। स्टार्टिंग की टेस्टिंग जो रियलमी जी टी नियो 2 के साथ करी थी वो बहुत ही पुराने एमुलेटर वर्जन के साथ है, एंड उस टाइम इतने ज़्यादा फिक्स नहीं थे जितने अभी हैं। बाकी आज इस वीडियो में इतना ही वॉइस ओवर था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बाकी की वीडियो आप देख लेना। Placing all of his godly power into the weapon had rendered Kratos mortal, vulnerable to the arms of death. Bloodied and beaten, he knew that to have any hope of survival, he must retrieve the blade